गर्मियों का मौसम है इस समय और काफ़ी लू और गर्म मतलब आसपास हमारे चल रहा है, तो इस समय हमें खान पान पे विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और क्या खान पान पे ध्यान रखा जाए, इसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो गर्मी के मौसम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पानी का जो इनटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आपका वेट मान लीजिए है 60 किलो, तो आपके वेट के अनुसार आपको पानी पीना चाहिए। जैसे 60 किलो के हैं आप, तो कम से कम आपका 2-2.5 लीटर पानी का मिनिमम इनटेक होना चाहिए उस हिसाब से। अब पानी के अंदर आप सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग छाछ है या आप कुछ कॉफ़ी लेते हैं, कोल्ड कॉफ़ी, ये सब मिला के पूरे दिन भर का इनटेक 2 से 2.5 लीटर तक का होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो कि आपको लू, इस तरह की जो गर्म हवाएं चलती हैं इस समय, आपको बचाएं। जैसे कि बहुत सारे हमारे जो दादी नानी के नुस्खे इस समय बहुत कारगर आते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में आम पन्ना बनाया जाता था कच्चे आमों का, तो कच्चे आम को लेकर के बॉईल करके उसमें नमक, काला नमक और थोड़ी सी चीनी के साथ उसको लिया जाता है, वो हमें बहुत कारगर सिद्ध होता है लू में। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप आंवला जो है, आंवला भी अच्छा रहता है, आंवले का जूस है या मुरब्बा उसका खा सकते हैं। जैसे गर्मियों में इतना नहीं मिलता है तो आप मुरब्बा ले सकते हैं। देन जूस फॉर्म में आप घिया, अगर को घिया आप लेना चाहते हैं तो घिया का सुबह जैसे कद्दूकस करके उसका जूस ले सकते हैं आमले के साथ मिला के, वो भी बहुत अच्छा रहता है। सो गर्मियों में ये सब चीज़ें जो हैं, हमें नारियल पानी, नींबू जो है अपने डाइट में खूब इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि आपको लू और गर्मी से बचा जा सके। खाने में बहुत हैवी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि खाना आपका तुरंत पचने वाला, बहुत हैवी यानी कि फ्राइड खाने का इस्तेमाल ना हो, कि पूरी, कचौरी, ये सब भटूरे वगैरह इस समय पे कम खाए जाएं। बाहर के खाने से भी इस समय हमें थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि एक तो हाइजीन भी एक इशू रहता है इस समय, क्योंकि गर्मी में बहुत सारे बैक्टीरिया और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा आप रहते हैं। तो घर का सिंपल खाना खाया जाए, जैसे कि कर्ड राइस है वो बहुत संतुलित खाना है इस समय पे, या मूंग की दाल की खिचड़ी है या दाल वाला दलिया है, इस तरह के खाने जो हैं जो पचने में आसान हैं वो हमारे समर के खाने में इंक्लूड किए जा सकते हैं। इसमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत हमें जो रस मिलता है जिन फ्रूट्स से, जैसे कि जो नेचर ने हमें दिए भी हैं, जैसे कि तरबूज हैं, खरबूजा हैं, इनका इस्तेमाल किया जाए, जो सीजनल फ्रूट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में कमी जो है पानी की और नमक की उसको दूर करते हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप लू और समर से थोड़ा बच सकते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं कोशिश करिए कि अपना मतलब जो सर है स्पेसिफिकली वो थोड़ा ढक कर जाएं। अगर स्पेक्स पहन मतलब स्पेक्स या गॉगल्स, ग्लासेस पहन के निकले, ताकि सन की रेज जो है ज़्यादा हार्म ना दें, आपकी अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो इतना हार्म ना दें। और इनसे मतलब कारगर निपटने का ये भी तरीका है कि आप कुछ हरा जूस अगर लें, तो समर्स में हरा जूस इन द फॉर्म, जैसे आप जो धनिया है, कोरिएंडर है, उसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, तो धनिए को जैसे आप मिक्सी में चला के इसका जूस सुबह सुबह ले सकते हैं, जो आपके अगर आपका दिन का काम है, आप ये धनिया का जूस पी के चले जाएं, तो आपको एक तो क्लोरोफिल उसका रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समर में जाने से, और लू और गर्मी से भी बचे रहेंगे।